ठीक है। अभिषेक आवाज आ रही है? अब हाँ यस भाई। देखो, मैं इसी फॉल की बात कर रहा था कल। देख रहे हो हाँ तो ये फॉल कैसे एक्सपेक्टेड था, ये थोड़ा मैंने कैसे अंदाजा लगा लिया था। ठीक है, बस दो ही चीजें मैंने एनालाइज करी थी और ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा था। एक तो ये जो कैंडल बन रही थी, ये हमारी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही थी। व्हाट इज बियरिश एनगल्फिंग कैंडल? के ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। अब कैंडल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक विक वाला पार्ट होता है, बॉडी होती है। तो जनरली हाँ मैं एनगल्फिंग के लिए बॉडी को चेक करता हूँ। तो ये वाली जो बॉडी थी, देखो यहां से लेके यहां तक इसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया था इसने। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट डे जनरली जो ट्रेंड रहता है वो कंटिन्यू ही होता है। ठीक है, और ये सीवियर फॉल कंटिन्यू ही रहा। देखो कल भी जो फॉल आया था, आज भी उसी तरीके से फॉल चल रहा है। ठीक, अब अगर हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाली ट्रेड जो हमारी चल रही थी वो कंटिन्यू रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो मेरी ट्रेड में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि ये फॉल जो आया है बहुत लेट आया है, करेक्ट है? ठीक, अभी भी इस फॉल के आने के बाद भी मेरी पीओपी कितनी आ रही है, 100% आ रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत वाइडर रीजन है। ठीक है, काफी वाइडर रीजन मेरे पास अवेलेबल है और मैं तो चाह रहा हूं कि मूव करके ये आके कहां फंसे, यहां कॉर्नर में फंसे। क्यों? कॉर्नर में अगर फंसेगा तो मेरा देखो ऑन एक्सपायरी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 16,000 रुपए दिखा रहा है। अब बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी मैं तो चाह रहा हूं थोड़ा सा और मूवमेंट मिले, ये लाइन मेरी अंदर जाए, मैं ट्रेड फिर कैंसिल करूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब इधर उधर जाता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ट्रेड को चलने दे रहा हूँ, ये हमें कोई भी इशू नहीं है। बट अब जनरली अगर हम मार्केट को देखें, हमें पहले ट्रेड लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्केट को एनालाइज करने के लिए जनरली मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूं। ठीक है, देखो ये एक मार्केट के पास क्या था, सपोर्ट था, दिख रहा है ना, ये एक सपोर्ट था यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ये वाली। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस ये जो सपोर्ट था इसको तोड़ा, फिर ये नीचे से ऊपर जाने लगा, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, फिर इसको इसके अराउंड ही हवर करता रहा मार्केट, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से हमें देखने को मिला कि इस रेंज के अंदर, जो ये पहले रेंज थी ये वाली, कि मार्केट इसी रेंज के अंदर आ गया था। देखो है ना, नीचे जाने के बाद फिर दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया था। अब मेरे को दिख रहा है जब यहां से दोबारा से ब्रेकआउट आ रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसको नीचे आ रहा रीटेस्ट करने। देखो रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को? मार्केट के नीचे आने का पर्पस क्या है, मार्केट के नीचे आने का पर्पस है, हो सकता है जो मार्केट ने ये ऊपर की तरफ, देखो ऐसे जाके ये नीचे गया फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। ठीक, तो इसका ये रीटेस्ट नहीं हुआ अभी, ये वाला जो लेवल है इसका रीटेस्ट नहीं आया, तो इसका रीटेस्ट आके फिर हो सकता है मार्केट ऊपर जा अपना एक हाई बनाने। ठीक, या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है वो भी मैं दूसरा व्यू भी मैं अपना बता दूंगा आपको, जरा देखो दूसरा व्यू भी, सारे व्यू होने चाहिए। ठीक, कि हो सकता है जो मार्केट इतने टाइम से हायर हाईज और हायर लोस बना रहा है, लोअर हाईज एंड लोअर लोस बना रहा है, हो सकता है मार्केट ने वही कंटिन्यू कर रखा हो। देखो ये वाला एक हाई था, ठीक है, ये वाला एक हाई था, फिर ये वाला एक हाई था, फिर ये वाला एक हाई था, फिर ये एक हाई बनाया, और इस तरीके से हो सकता है ये भी एक हाई है। तो जितने भी हाईज बन रहे हैं दे आर लोअर देन द प्रीवियस हाईज, देख रहे हो आप बात को, ऐसे भी हो सकता है ना, और जितने लोस बन रहे हैं दे आर लोअर देन द प्रीवियस लोस, तो हो सकता है मार्केट दोबारा से अपना एक लो बनाने जा रहा हो। तो देखो सारी चीजें हमें क्या रखनी है, हमने माइंड के अंदर रखनी है। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर हमें नहीं पढ़ा हमने प्राइस एक्शन को, तो फिर स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय करेंगे? ठीक है, तो और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी सिंपल चीजें हैं, बस आपको क्या करना है, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी आनी चाहिए आपको। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से फाइंड करनी आ रही है, ठीक है, आपके अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो फिर तो काम बन जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। ठीक, अब मेरे को देखो दिख रहा है नीचे हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक, बट ये सपोर्ट बहुत ही पास है, तो मैं इसको सपोर्ट ना मानते हो, मैं तो अपने इसको सपोर्ट मानूंगा। देखो यहां से मार्केट क्या हुआ था, टर्न अराउंड हुआ था। ठीक, तो अभी भी मेरे पास एक रेंज मिल रही है खेलने के लिए। क्या रेंज? देखो यहां से ये ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस,
और नीचे की तरफ ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट। बात समझ रहे हो, है ना? तो अभी भी हम सेंटर में अटके हुए हैं आज के अकॉर्डिंग। देखो सेंटर में है, अगर मैं इसको क्या मानू, इसको मैं क्या मानू रेजिस्टेंस, और अपने इस वाले लेवल को मैं क्या मानू सपोर्ट, तो आज भी मैं ट्रेड डिप्लॉय इजिली कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को कहाँ मिलेगा, मैं सेंटर में ही रहूंगा। ठीक है, किसके सेंटर में रहूंगा, अपनी रेंज के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो इसको बेस रखते हुए क्या हम एक ट्रेड बना सकते हैं? आंसर इज यस। आओ जरा ट्रेड के साथ चलते हैं। ठीक है, अब ट्रेड की अगर बात करें तो सबसे पहले चलते हैं हम अपना स्ट्रैटेजी बिल्डर में। आओ जरा एक स्ट्रैटेजी बिल्डर में चलें। ठीक है, निफ्टी पे बना रहे हैं, और जो एक्सपायरी है हमारी 21st, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 21st है ना। ठीक, तो फिर से देखो कैलेंडर ही बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, अभी हम कुछ टाइम तक कैलेंडर ही बनाते रहेंगे जब तक अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, और सिनेरियो भी ठीक चल रहा है कैलेंडर के लिए। अब अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर भी अलग अलग टाइप से बनता है, क्लासिक अलग बनता है, डायगनल अलग बनता है। ठीक है, कैलेंडर का मतलब एक्चुअली है क्या, कैलेंडर कुछ नहीं होता, कैलेंडर हेजेस होते हैं, हम नेक्स्ट एक्सपायरी के जो हेजेस होते हैं उनको बाय कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा जनरली निफ्टी के अंदर मेरा क्या रूल रहता है कि मैं 40-40 वाले सेल करूं और उसके जो डबल प्रीमियम के वो बाय कर लूं रेशियोज में। कैसे, सपोजिटली देखो मेरे को दिख रहा है ये 41 प्रीमियम दिख रहा है, 41 रुपीज का प्रीमियम, इसको मैंने क्या करा, दो लॉट में यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इधर आया, बट देखो मेरे को लगभग 45, बहुत ही 40 के अराउंड मिल रहा है, 45 बट बहुत पास मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लगभग थोड़ा दूर चला गया, 35 वाला मैंने ले लिया, हल्का सा दूर, ज्यादा ज्यादा दूर नहीं गया। ठीक है, 50 पॉइंट दूर चला गया। ठीक है, ये देखो ये मेरा क्या बन गया, एक स्ट्रैंगल बन गया। ठीक है, और स्ट्रैंगल भी कैसे, डबल लॉट्स के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट सेंटर में कितना निकल के आ रहा है, 7,500 रुपया लग के आ रहा हूँ। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 71। अब मेरे को क्या करना है, बट ये जो स्ट्रैंगल है ये नेकेड है, ये नेगेटिव स्ट्रैंगल में प्रॉब्लम क्या हुआ, वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो मेरे को एकदम से लॉस होने लगेगा। अगर ये वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो देखो मेरे को सेंटर में लॉस देखो कितना आ रहा है, 4,500 रुपए का लॉस आ रहा है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें बाइंग करनी पड़ेगी, और बाइंग जो हम करेंगे वो कहाँ की करेंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सपायरी की करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सपायरी में जैसे मैं आया, नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी थी, देखो मैंने सेल कौन सी करी 21st के, मैं बाय कौन सी करने जा रहा हूँ 28 के। अब मैं 28 के जो बाय करूंगा वो डबल प्रीमियम के करूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, लगभग देखो 85 दिख रहा है मेरे को, मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ सिंगल लॉट, ये लो मैंने बाय कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली वहां पे कितना था हमारा, वहां पे चलो 72 ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, 72 एक लॉट मैंने बाय कर लिया। देखो ये जो ट्रेड बनी है इसमें भी लॉसेज अनलिमिटेड है, इस साइड देखोगे लॉसेज अनलिमिटेड, इस साइड देखोगे लॉसेज अनलिमिटेड। ठीक है, बट मेन बात है कि हमारे पास एक रेंज है प्ले करने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, जो रेंज दिख रही है ये रेंज, ये रेंज है हमारे पास प्ले करने के लिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जरा ढंग से सुनना, अब अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो तो हमें इतना लॉस नहीं होगा। देखो पहले कितना आ रहा था सेंटर में लॉस, बताओ 4,500 रुपये लॉस आ रहा, तब देखो कितना आ रहा है, 7,700 रुपये। तो जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। बात को समझ में, अच्छा अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो जो मेरे बाइंग प्रीमियम्स हैं, बाइंग प्रीमियम वो शूट अप कर जाएगा और मेरे को सपोर्ट करेंगे, पहले मेरे पास ये बाइंग्स नहीं थी, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, क्लियर? तो अभिषेक मुझे बताओ क्या ये ट्रेड ठीक लग रही है, डिप्लॉय करने लायक है? हाँ यस भाई। एक अच्छा दूसरी बात, एक काम और करते हैं, मैं इसको दोबारा रीसेट कर रहा हूँ, अभी दोबारा बनाएंगे इसको। ठीक, छोटी सी बात और कर ले, पहले मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में गया, निफ्टी 21st की एक्सपायरी, ऑप्शन चेन। ठीक है, देखो 40 वाला, 40 के अराउंड 45 मिल रहा है, चलो मैं 37 ले रहा हूँ, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आप कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। ठीक है, ये क्यों कम हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए कम मिल रहा है आपको प्रीमियम। ठीक है, अभी कितना आ रहा था यहाँ पे, 750 के अराउंड आ रहा था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लगभग मेरे पास क्रेडिट कितना है, देखो जरा चेक करो क्रेडिट कितना है, यहाँ पे मेरे 32 × 2 कितना हो जाएगा, 64 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, लगभग आएगा अराउंड आपका 76 कह रहा हूँ। ठीक है, 74 कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं जो बाय कर रहा हूँ, क्या हो मैं अगर ज्यादा के बाय कर लूँ, ज्यादा मतलब कि जितना मैंने प्रीमियम सेल करा, जितना मैंने क्रेडिट लिया उससे कहीं ज्यादा डेबिट ले लूँ मैं,
आओ जरा एक काम करते हैं, डेबिट थोड़ा ज्यादा लेते हैं, ठीक है? ये लो मैंने डेबिट एक लॉट में ले रहा हूँ, बट ठीक है, ज्यादा लिया, और यहाँ पे भी चलो मैंने थोड़ा सा डेबिट ज्यादा ले लिया। क्या हुआ डेबिट ज्यादा लेने से बताओ भाई? डेबिट ज्यादा लेने से क्या हुआ? डेबिट ज्यादा लेने से पहली बात तो आपका पीओपी पड़ गया, ठीक है? पहली बात, कैलेंडर जब हम बनाते हैं तो हमारा व्यू ही तो यही होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और वोलेटिलिटी को कंट्रोल कौन करता है? आपकी ट्रेड का डेबिट, ठीक? अब मैं कह रहा हूं कि क्या हुआ जब मैंने डेबिट बढ़ाया, अभी मैंने 80-80 की जगह यहाँ पे 100 से ऊपर के चला गया मैं, है? तो फायदा यह हुआ कि मेरे जो कॉर्नर्स हैं, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो आज मैं चाहता हूं मार्केट को कि मार्केट मूव करे, और मार्केट मूव करेगा फिर इन कॉर्नर्स में आके फंसेगा, जैसा कि फंस रहा है आज। आज की ट्रेड में जो मेरा कैलेंडर डाला हुआ, मार्केट फंस रहा है, ठीक है? तो मेरे को फायदा होगा। बट नुकसान क्या है कि सेंटर में अगर रह गया तो सेंटर में देखो आपको सिर्फ 1300 रुपए, समझ रहे बात? बट फायदा क्या है? फायदा है कि अगर देखो मुझे बताओ, अगर वोलेटिलिटी बढ़ी तो देखना लॉस, देखना जरा कुछ भी नहीं है। टी प्लस जीरो देखो कितना, 40 रुपए। तो यानी क्या होता है, डेबिट आपको एक्चुअली में सपोर्ट करता है, ठीक है? डेबिट मतलब क्या? डेबिट मतलब बाइंग। और देखो आपकी फिर ट्रेड ही और बेटर हो जाएगी। बेटर का मतलब ये आपका ग्रीन एरिया बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने अगर क्या वोलेटिलिटी बढ़ाई, तो देखो ग्रीन एरिया बढ़ रहा है, देखो ऊपर चला गया ऊपर की तरफ। पहले सेंटर में कितना आ रहा है? देखो सेंटर में पहले 1300 रुपए आ रहे हैं, देखो जरा चेक करो सेंटर में, देखो कितना आ रहे हैं, 1300 रुपए के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है? ऑन एक्सपायरी ग्रीन वाला एरिया देखो। उसके बाद अब मैंने वोलेटिलिटी बढ़ाई, आईबीज को स्पाइक करा, तो जरा चेक करना सेंटर में कितना आ गया, लगभग 4000 रुपए के अराउंड प्रॉफिट आ गया। तो ये हमें काम, डेबिट इतना ज्यादा हम कब करते चले जाते हैं? जब हमें लगता है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब वोलेटिलिटी की बात करें, भाई मार्केट तो फ्री फॉल में चल रहा है आज। वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी जनरली क्या होता है, मार्केट जब गिरता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है भाई, है ना? यही हमने सीखा है, मार्केट अगर गिरता है। बट ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है जब मार्केट ऊपर जाता है तो भी वोलेटिलिटी बढ़ती है। ये बात ध्यान रखना, ये भी समझाऊंगा किसी दिन मैं आपको। तो इधर आओ, क्या मैंने कुछ टाइम पहले टेलीग्राम पे बोला था कि भाई ये अब टाइम आ गया है विक्स के स्पाइक करने का, यहां से कुछ स्पाइक समय देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ये देखो टेलीग्राम पे जाके देखना, जब ये आया था ना, ये कैंडल बनी थी, तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट में अब वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। देखो तब से वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ठीक? क्योंकि आजकल क्या हो गया है, जो 18 विक्स है वो लो विक्स की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है? तो हमें लग रहा है कि 18 पे आ गया, तो अब लो है, अपना लो पे है, तो यहां से क्या करेगा, यहां से स्पाइक करेगा, समझ रहे बात? खुद भी देख लो, चार्ट देख लो ना आप, यहाँ पे जब भी जा रहा है, यहाँ पे जब भी जा रहा है, तो स्पाइक्स आ रहे हैं ना इसके अंदर, विक्स के अंदर, ठीक है? तो यानी मार्केट अभी यहीं पे बना हुआ है, और यहां से हमारे पास स्पाइक्स आ सकते हैं, और स्पाइक्स आए, वोलेटिलिटी बढ़ी, तो आईबीज भी शूट करेंगी, ठीक है? तो हमें ट्रेड के अंदर डेबिट लेके चलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक? तो एक काम करते हैं, आज मैं 80-80 की जगह थोड़ा सा थोड़ा और रख लेते हैं हम डेबिट, कोई बात नहीं, उससे हमारा सेंटर में प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है? अभी अभी हम प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं, अभी हम सीखने बैठे हैं और अपने लॉसेस को बचाने बैठे हैं। ये दो काम कर लिए, अपने आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है? तो मैं इसको दोबारा से रीसेट कर रहा हूं, ठीक है? आओ जरा ट्रेड पे चलते हैं और अपनी ट्रेड को ठीक से बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक सेकंड देना मुझे जरा, एक सेकंड दो। ठीक है भाई, बनाए चलो, और इसको डालना भी स्टार्ट करना। पहले ऑप्स्ट्रा पे बनाओ जल्दी से, निफ्टी 21st, चलो ऑप्शन चेन पे अगर हम चलें, बताओ बताओ कितने कितने वाले करूं सेल, आप जो बोलोगे वो करेंगे, बताओ अभिषेक। अभिषेक हाँ, 1 मिनट, 34 है ना शायद, 44 ज्यादा हो जाएगा, 34 ठीक रहेगा। 36 दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे, अगर मैं पुट की साइड देखो, देखो प्रीमियम कितना दिख रहा है, हाँ 38। बस स्ट्राइक सेम रखना अब यहाँ पे थोड़ा, ठीक है? क्योंकि हम ओके ओके साथ में डिप्लॉय कर रहे हैं, पहले ऑप्स्ट्रा पे, उसके बाद जाके आप अपने अकाउंट पे डिप्लॉय करना, और अकाउंट पे डिप्लॉय करते टाइम बाय पहले करना, सेल बाद में करना, हाँ ये बात। ठीक है? आप लोग कितने लॉट्स में ले रहे हो? इसके दो लॉट सेल करने,
दो सेल एक बाय, वेरी गुड, 2:1 बोलते हैं इसको, 2:1 रेशियोज में कर रहे हैं हम काम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो कितना वाला करा, 36 वाला, तो एक काम कर रहे हैं 34 वाला लेते हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट एक्सपायरी में आओ। नेक्स्ट एक्सपायरी में आए तो देखो, हमने 80 वाला लेते थे ना, थोड़ा सा 98 वाला ले लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बार, बताओ अभिषेक। प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लिमिट अच्छा रहेगा। हाँ, पर से वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो टिल 22, राइट? हाँ, 22 तक वीक्स एग्जैक्टली, हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसलिए डेबिट थोड़ा ज्यादा रख लिया है, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारा सेंटर में प्रॉफिट कम हो गया है, बट सेंटर में अब देखो मैंने इतना भी डेबिट नहीं लिया कि कुछ मिले ही ना, 2000 रुपए तो मिलने ही है, बट यहाँ से वोलेटिलिटी कम नहीं जानी चाहिए, वोलेटिलिटी कम हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वोलेटिलिटी देखो कम हुई, कम हुई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, देख रहे हो, वोलेटिलिटी श्रिंक हुई तो कुछ नहीं बचेगा बीच में, हाँ बट हमें लॉस भी नहीं होगा। तो वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो हमें ब्लू लाइन सपोर्ट करेगी, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और देखो हमारा ग्रीन एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से एक्सपेक्ट करें वोलेटिलिटी बढ़ेगी और फिर हमने ट्रेड बनाया, और कम भी गई तो हमें लॉस नहीं होगा। तो इससे बढ़िया बात क्या है कि भाई अगर वोलेटिलिटी बढ़ी तो हमें फायदा होगा, वोलेटिलिटी डिक्रीज हुई तो हमें लॉस भी नहीं हो रहा, तो इससे बढ़िया तो कुछ बात हो नहीं सकती, ठीक है। आओ मैं इसको सेव कर देता हूं, कैलेंडर है ये हमारा, एक्सपायरी कौन सी, 21st है ना हमारी इसकी, 21st जुलाई, ठीक है। चलो डिप्लॉय कर दो इसको जल्दी से, अब मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है चलो डाल के मुझे बताना, एंड कर रहा हूं सेशन, ठीक है। फिर इसकी एडजस्टमेंट भी आज आज या कल में सेशन लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, चलो बाय।